प्रकार से कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने देशद्रोहियों को के पक्ष में बात की है, आज पूरा देश आतंकवाद से जूझ रहा है और इस प्रकार की बयानबाजी, हमारा ये मानना है कि गृह मंत्री जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि कांग्रेस के इन प्रवक्ताओं के सोनिया गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो। आगे क्या कदम होने? अभी हम लोग, एक हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय राजनाथ जी के पास जाएगा और इनके खिलाफ FIR हो, ये इसकी मांग करेंगे। खिलाफ कर रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस और पाकिस्तान मिलकर एक है और इस देश की अखंडता और समूहता को खतरे में डाला है, उसके खिलाफ आज का ये प्रोटेस्ट है। पाकिस्तान और कांग्रेस की मिलीभगत साफ दिख रही है पिछले दो दिन से मीडिया पर। बीजेपी युवा मोर्चा के लोग आज 11 शो का रोड से अकबर रोड जाने वाले थे, जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता ने बयान दिया है पोरबंदर बोट मामले में, उसी को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लोगों ने, काफी लोगों ने यहाँ से गिरफ्तारी भी दे दी है, हालांकि पुलिस ने इन्हें कांग्रेस ऑफिस जाने तक के लिए रोक लिया है। ये सब पोरबंदर बोट का जो मामला था उसी को लेकर यहाँ पर आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनकी मांग है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है वो बंद किया जाए, और आगे इनकी मांग है कि राजनाथ सिंह से ये उनके घर जाकर अपील करेंगे किस तरह की बयानबाजी बंद की जाए और पाकिस्तान का सपोर्ट करना बंद किया जाए। कैमरा पर्सन नीरज के साथ शगुफिकान, मुंसिफ TV, दिल्ली।